मान सिंह, दिन प्रतिदिन गरीबों पर जुर्म दमन अत्याचार बढ़ता जा रहा है और इन सब जुर्म अत्याचार दमन का जड़ है यहाँ का धनी समाज, धनिक लोग। हम लोग अपनी जान पर खेलकर किसी भी तरह इन सारी गरीबों की आंसू पोंछना होगा। हाँ सरदार, आप ठीक कह रहे हैं। यहाँ की गरीब जनता अमीरों की पैरों तले दबी हुई है। इन सब जालिमों को मारकर गरीबों को मुक्ति दिलाना हम लोग का धर्म होगा। अब हम लोग को चुप नहीं बैठना चाहिए मान सिंह। मैंने सुना है अवधिग्राम का एक लड़का ने अपनी बहन और पिता का हत्या करके उल्टा वहां का सेठ श्याम सुंदर सिंह को फंसाना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ सरदार? इसके बाद लड़का पुलिस स्टेशन जाकर श्याम सुंदर तथा उसका बेटा विशाल को पकड़वाने के लिए सेठ का घर तक आया और यहाँ आने पर पता चला अपने बहन और पिता का कातिल वही लड़का है। इसके बाद क्या हुआ सरदार? यही कि यह पता चल जाने के बाद कि वह लड़का ही अपने पिता और बहन का खून किया है, तब उसे पुलिस जेल ले गई और वह लड़का जेल से फरार हो गया। ये बात सरासर झूठ होगा सरदार। एक लड़का अपना पिता और बहन का खून क्यों कर सकता है? ये सभी साजिश सेठ श्याम सुंदर सिंह का होगा। उसी ने किसी प्रकार का षड्यंत्र रच कर उस लड़का को जेल में भिजवाया होगा। मेरी भी यही अनुमान है। यह सभी करतूत उस हरामखोर सेठ का होगा। गजब है यहाँ की समाज, गजब ही यहाँ की सरकारें। कहीं बी ए एम ए करके गरीब का लड़का डाकू बनता है और बिना पढ़ा लिखा धनिक व्यक्ति पैसा के बल पर नौकरी करता है। वाह रे जमाना, वाह रे समाज। यह कौन है धर्मा? इसको अपने जान से डर नहीं है क्या? सरदार, मैंने वन वाली किनारे छोर पर घूम रहा था और इस लड़के को अड्डे की ओर आते देखा। मैंने इन पर गोलियां चलाकर पकड़ लिया और आपके पास लाया हूँ सरदार। तुम कौन हो रे मूर्ख, जो हमारे अड्डा की ओर आने की दुसाहर्ष किया? बोल साला कौन है तू? सरकार, इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। क्या बोला, तुम बिना बाप का बेटा है? सरदार, लगता है पुलिस का सीआईडी है। नहीं सरकार, मैं पुलिस का सीआईडी नहीं हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। तुम कहाँ के रहने वाला है? तेरा नाम क्या है? मैं जमुनिया का रहने वाला हूँ, मेरा नाम रोशन है। ओ, तुम ही वो लड़का है जो अपनी बहन और पिता का खून करके जेल से फरार हो गया है? सरदार, मेरे नजर में लड़का गुनहगार नहीं है, अपने पिता और बहन का कातिल नहीं है। हाँ सरदार, मैंने अपने पिता और बहन का खून नहीं किया हूँ। फिर तुम्हारे पिता और बहन का खून किसने किया? सरदार, मेरी खुशी भरी दुनिया थी। एक दिन सेठ का लड़का विशाल ने मेरी प्यारी बहन को बीच चौराहे पर ले जाकर उसका हत्या कर दिया। फिर तुम्हारे पिताजी कैसे मरे? मेरे पिताजी को ये पता चला कि मधु को सेठ का बेटा ले गया है, तो पिताजी सेठ के घर गए। सेठ ने पिताजी को मारकर फेंकवा दिया। फिर तू जेल से कैसे भागा? जब इन सब बातों का पता मुझे चला तो मैं पुलिस स्टेशन जाकर सेठ के विरुद्ध मामला दर्ज कराया, तो सेठ के घर पुलिस आकर मेरे हाथ में हथकड़ी लगा दी और कारागार में डाल दी। इन सब अत्याचारों के अत्याचार देखकर मेरी प्यारी माँ चल बसी। वास्तव में गम भरी दास्ता है तुम्हारा। आज के बाद तुम अपने आप को अनाथ मत समझो। तुम हमारे साथ रहकर इन समाज में जितने भी कचड़ा लोग हैं, उन लोगों का सफाया करना तुम्हारा कर्तव्य होगा। फिर हम लोग के साथ रहोगे तो
दुश्मन से बदला लेने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तो आपकी उदारता है सरदार, जो कि हम जैसा भागा को शरण दिए। रोशन, जब कभी जिंदगी में अकेली राह पर गुजरने लगती है। आप सब जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। नहीं रोशन, किसी के कहने पर कोई काम नहीं करना चाहिए। कहे हुए बात सुनकर उस पर मनन करनी चाहिए। अगर वह बात सटीक लगे तब उसे आगे बढ़ाना चाहिए। साथियों, अब शाम हो चली है, तुम सब सतर्क रहना, कहीं पुलिस न चली आए। धर्मा, तुम रोशन को लेकर सारी यहाँ के समस्या से वाकिफ करा दो। जैसा हुक्म सरदार, चलो रोशन। सरदार, मेरा कहना सत्य हुआ ना, रोशन निर्दोष निकला। मेरे समझ से एक दिन रोशन हम सब डाकुओं का हुकूमत चलाएगा। भगवान करे ऐसा हो जाए। अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, सोचता हूँ अपना सरदारी तुम सब में से किसी को सौंप कर सन्यासी बन जाऊं। खैर, दिल्ली बहुत दूर है। मानसिंह, आज तू मेरे साथ चलो, छोड़ दिया जाए पूरी अड्डा की भार धर्म तथा रोशन पर। देखना है वो दोनों क्या कर रहा है। चलिए सरदार।